24 तक ये सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार हुई है। भाजपा के मुंह में करारा तमाचा लगने का काम किया। हम सबको यकीन था कि गांधी परिवार जो है, गांधी देश को दिया है, देश को खड़ा किया है अपने त्याग से, अपने खून से। आज इस डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, गांधी परिवार की देन है। और राहुल गांधी के साथ जिस तरह से भाजपाइयों ने किया, क्या कसूर था? बोले बोलने पे फांसी दे दीजिएगा क्या किसी को आप? अब बताइए, सस्ता छीन लिया आप लोगों ने। दूसरी बात है कि घर से खाली करा दिया, जो देश गांधी परिवार का है उसको आप खाली करा दीजिएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 24 तक वेट कीजिए, 24 में राहुल जी के सर पे ताज पहनाएगी जनता और हम जवाब करा जवाब देंगे। और मैं कहूँगा आज देखिएगा झारखंड में भी इसका असर पड़ेगा। ये नहीं, देखिए 24 में हम लोग आएंगे, 24 में हम लोग आएंगे, मजबूती के साथ आएंगे और सर में राहुल प्रधानमंत्री का ताज हम लोग पहनाएंगे। अभी हाँ, अभी मैंने कह दिया है, अभी वगैरह आ रहा, सबको मिठाई खिलाया जाएगा और जबरदस्त जश्न मनेगा। राहुल जी को दिल से नहीं निकाल सकते। भारत जोड़ो, दिल को जोड़ो, लोगों को जोड़ो और मोहब्बत का पैगाम फैलाओ। धन्यवाद। बधाई देना चाहती हूँ उन सभी लोगों का जो उनके साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े रहे और लोकतंत्र पर अपना भरोसा रखे। बीजेपी लगातार कह रही है कि कोई भी ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, एक बार फिर से एनडीए जीतने वाली है। ये कितना असर पड़ने वाला है वो भाजपा के लोग हर दिन बताते हैं। सुबह से राहुल गांधी जी का नाम जपना शुरू करते हैं तो देर रात सपने में भी राहुल गांधी जी उन्हें दिखते हैं। यह समय बताएगा कि इंडिया जीतेगा या एनडीए हारेगा। देखिए, कोर्ट का अपना एक प्रक्रिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर समाज के किसी वर्ग को आप गलत बोलेंगे तो भले आपको कोर्ट माफ़ कर दे, लेकिन उस समाज के लोग आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी ने जिन्हें जो टिप्पणी की थी उनको उसका माफ़ी मांगना चाहिए था। अब कोर्ट ने किस मामले में स्टे किया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर कोर्ट के निर्णय का हम लोग सम्मान करेंगे, लेकिन जिस समुदाय के लिए उन्होंने खराब बोला था वो समुदाय कभी भी उनको माफ़ नहीं करेगा।